नमस्कार दोस्तों, आज मैं गंगिराकर क्लासेस की ओर से एलके राय आपको ये बता रहा हूँ कि अग्निपथ योजना जो भारत सरकार की योजना है ये क्या है और इसका हमें समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सरकार की गलतियाँ क्या है या नहीं है, या सही है सरकार का कदम या नहीं, क्या बच्चों को ट्रेन या वगैरह जो भी तोड़फोड़ की कार्य कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। अग्निपथ, देखिए अग्निपथ क्या है। अग्निपथ सरकार जो हमारी भारत सरकार ने लाया है, इसमें हम यही देख रहे हैं कि लोगों के मन में ये हो गया है कि हाँ, हमारे सेना का कार्यकाल 4 साल की हो गई है, 4 साल बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, 4 साल बाद हम बेरोजगार नहीं और एक्टिव हो जाएंगे, ताकि 4 साल तक हम जो काम किए हैं और जिस काम के परिणाम स्वरूप हम पूरा चुस्त हो चुके हैं, तो इसको लेकर के फिर हम बैठेंगे नहीं। हमारे हाथों में 4 साल बाद जो भी आएगा पैसा, क्या कोई जरूरी है कि 21 साल में सारे लोग सर्विस कर ही लेते हैं? नहीं, आज हमारे भारत सरकार का ये है कि हम अधिक से अधिक जनसंख्या को रोजगार दें, तो अधिक से अधिक जनसंख्या का रोजगार देने का कैसे पूरा होगा? कैसे, क्या हमारी पूरी जनसंख्या को रोजगार कोई भी सरकार दे सकता है? नहीं दोस्तों, हमें अपने भारत की संपत्ति का रक्षा करना चाहिए, हमें खेल कूदने से, हाँ अगर हमें लगता है कि ये खराब है, इसके विरुद्ध में हमें आवाज उठाना चाहिए, तो हाँ सही बात है, आप आवाज उठाइए, गलत और सही पर आप जरूर आवाज उठाइए, लेकिन गलत और सही का यह अर्थ नहीं है कि कोई गलत कर रहा है तो हम अपनी संपत्तियों को आग लगा देंगे। हम अपनी संपत्तियों को आग नहीं लगाएंगे। हमारा संपत्ति है ट्रेन से लेकर के बस गाड़ी जो भी है, ये हमारी यातायात का साधन है और हम अपने यातायात के साधनों को अगर कहीं आग के हवाले कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता होगा। हम कहीं ना कहीं अपने संपत्ति को ही बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या आप बताइए कि हम अपने संपत्ति को अगर बर्बाद करेंगे तो क्या हम अच्छा कर रहे हैं? नहीं, हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम ये देखें कि हम जो भी है भारत सरकार का कदम, उस पर अगर विरोध करना है तो शांतिपूर्ण बैठें, हमारी आवाज जरूर जाएगी भारत सरकार के पास। और कोई सरकार नहीं, ये मोदी जी अकेले या कोई भी अकेले कदम नहीं उठा सकता है कि नहीं हम ऐसा करें, इस पर सभी का सहमति होगा तभी हम सरकार चलाते हैं। हम यहाँ के जो हैं उनको बैठाए हैं, उनको प्रधानमंत्री का जो चुनाव हुआ है उसमें हम अपना बहुमूल्य मत दिए हैं, जिसके द्वारा वो आज बैठे हुए हैं और शासन चला रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो जो भी कदम उठाएंगे वो सही नहीं होगा, हम विरोध करेंगे उसका, हम विरोध करेंगे लेकिन कैसे करेंगे? हम अपनी संपत्तियों को आग के हवाले करके नहीं करेंगे, हम अपने संपत्तियों को बर्बाद करके नहीं करेंगे, हम अपने संपत्तियों को बचा करके करेंगे। हम आज अगर 320 ट्रेनों को फूंक दिया गया है तो ये बताइए कि ये भाजपा सरकार लाएगा अपने घर से? कहीं ना कहीं इसको बनाने में हमारा भी पैसा शामिल है, हम भी इसमें अपना योगदान दिए हैं और हम ही फूंक रहे हैं, हम ही बर्बाद कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत सिद्धांत है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप ऐसा कदम ना उठाएं, आप कोई भी संपत्ति को बर्बाद ना करें, भारत सरकार का कोई भी संपत्ति बर्बाद, तो हम विरोध करेंगे, हम भी आपके साथ हैं उसमें, और ऐसा विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण बैठ करके हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे कि सरकार ऐसा करना चाहिए, सरकार को उसी में हमारी और आपकी भलाई है,
जय हिंद जय भारत।